एमसी के उम्मीदवार जी, मेरा दोस्त दुर्गी कादू जनरल सेक्रेटरी हमारा जो कांग्रेस कमेटी और अभी मैडम मेना वर्मा का मनिका मैडम सबको नाम लेना मुश्किल है क्योंकि समय कम है। गेली कादू गेले तो सबका है और डीसीसी प्रेसिडेंट हम साथ में आया था और यहाँ मैडम सबका नाम नहीं ले पाऊंगा जो मेरा अन्य अबो और गुरुवर में मेरा माँ पिताजी भाई बहन और दोस्त दोनों पार्टी सबसे पहले मैं माफ मांगता हूँ लेट हो गया 3-4 बजे पहुंचने से ठीक था वो घर वापस ही वापस जाना भी है कि हम लोग समय में निकल आता वहां से रातों से मीटिंग भी खत्म होकर समय से निकल आता लेकिन बीच में 4-5 जगह रुका रुका के रसक नया काट रहा है तो ये काइंग तक तो रास्ता का नया काट रहा है जिसमें वो बीआर लोग जाने नहीं देता है फिर एक घंटा रुकाता है 2 घंटा रुकाता है इसलिए लेट हो गया। हम सबको माफ करो हाँ माफ किया ना हाँ ठीक है तो ऐसा है मैं आपका लंबा समय नहीं लूंगा और ये लंबा भाषण करने का समय भी नहीं है। मैं कल आलो डीसी ऑफिस में नॉमिनेशन फाइल किया लोकसभा एमपी कैंडिडेट के लिए जो 19 अप्रैल महीना में जो चुनाव होगा मतदान होगा वोटिंग होगा उसके लिए ये नॉमिनेशन फाइल किया और आज स्क्रूटिनी है। स्क्रूटिनी मीन्स आज कैंडिडेट को सिलेक्शन कौन उठेगा कौन चोरेगा आज फाइनल करना था तो आज स्क्रूटिनी में मैं पास हो गया कैंडिडेट बन गया ऑफिशियल कैंडिडेट हो गया और अभी से हम कैंपेन शुरू कर सकता है तो मेरा राइट बनेगा अभी से। और मैं अरुणाचल में बहुत साल काम किया 1995 से एमएलए बना मंत्री बना 6 बार एमएलए जीता है 2 बार अनअपोज है और आधा आधा फेल्योर 2 बार मुख्यमंत्री भी बना मंत्री बन के मुख्यमंत्री बन के आप सबको बहुत बार मिला कायंग नवी में आया था और अंगिन में भी आया था डिस्ट्रिक्ट इनोग्रेशन में और बोले में तो मैं आते रहता था पहले आगो में तो हमेशा आता हूँ तो कायंग में सब 2 बार आया क्या एक बार मीटिंग के लिए आया और एक बार इलेक्शन कैंपेन के लिए आया था। एक बार हम एलिगेशन कैंपेन हमें हेलीकॉप्टर से आया था तो हेलीकॉप्टर को क्योंकि साहब तो मुख्यमंत्री बहुत पैसा लेके आया होगा बोल के पुलिस भी चेक किया ऑफिसर भी चेक किया तो यहाँ का पब्लिक भी चेक किया लेकिन मिला नहीं और तो कल 14 में था तो ये बहुत काइम मेरा पुराना जगह है और हम लोग का पुराना रिश्ता है इसमें ज्यादा दूर नहीं है तो हम यहाँ आया और सबको चेहरा दिखाने के लिए आया चेहरा दिखा के बताने के लिए आया कि हम भी एक उम्मीदवार है इस बार लोकसभा इलेक्शन के लिए और मैं 2019 में भी होता था एमएलए सीट भी होता एमपी सीट भी होता तो एमएलए में भी जीता एमपी में मैं हार गया था क्योंकि एमपी कैंपेन करने के लिए समय नहीं मिला था और यहाँ भी मैं नहीं आया था कैंपेन के लिए आयंग में रंगों में पैसे में हम नहीं आया कैंपेन के लिए इस बार एमएलए छोड़ दिया अभी एमपी में ही चुनाव में लड़ेगा और एमपी में जीतने के लिए लड़ेगा ऐसे नहीं लड़ेगा जीतने के लिए लड़ेगा और जिताने वाला तो आप लोग हैं मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जिताएगा जिताएगा ना जिताएगा ना आप लोग जिताने से मैं आप सबके लिए काम करेगा आप सबके लिए सेवा करेगा इसलिए मैं कैंडिडेट
पहले जो आप लोग ने किरण रिजिजू को बहुत बार जिताया, चार बार बूथ दिया ना, चार बार बूथ दिया, इस बार हमको बूथ देके दिए, एक बार उनको थोड़ा रेस्ट करने दीजिए, इस बार हमको देके दिए और हमारे से भी काम करवा के दिए। अब कब पता चलेगा, कंपेयर होगा कि काम वो अच्छा किया था ना या हम अच्छा किया था, वो पता चलेगा कि नहीं। 5 साल के बाद आपको पता चलेगा कि कौन काम करने वाला है और कौन अच्छा काम करने वाला है और कौन सच्चाई से करने वाला हो, आपको पता चलेगा। तो मैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार लड़ रहा हूँ, फिर भी कांग्रेस बोल के लिए यहाँ बीजेपी जो है, जो एनपीपी है, एनसीपी है, पीपीए है, अलग अलग पार्टी के जो लोग हैं, ये भी शुरुआत तो सब कांग्रेस ही था, कांग्रेस का मेंबर था, कांग्रेस का लीडर था, कांग्रेस का सरकार था। अभी दूसरा दूसरे जगह पे जाके वो दूसरा पार्टी लड़ रहा है, लेकिन सब मेरा दोस्त है, सबको हम जानता हूँ और सबको हम पहचानता हूँ, इसमें कोई दुश्मन नहीं है, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है, दोस्त हो सकता है। इसलिए पार्टी हिसाब से बहुत दिखिएगा, आदमी को भी देखिए, नवम दुखी अरुणाचल को सेवा किया और अरुणाचल को यहाँ इतना बैठ के सेवा किया। अभी मैं आपसे सबसे विनती करूंगा कि एक बार हमको मौका दे दो, मैं नवम दुखी और ना इंडिया दिल्ली में बैठ करके आपको सेवा करके देखेगा। तो दूसरा लीडर का काम और मेरा काम अंतर को आप देखेगा, देखने के लिए मौका मिलेगा, है कि नहीं। वो कंपेयर तो होगा ना, देखने के लिए मौका तो मिलेगा, क्योंकि अरुणाचल में बहुत लीडर है, बहुत लीडर लोग बहुत बात करते हैं, अच्छा अच्छा बात करते हैं, सुनने में अच्छा लगता है और हम सबको ताली बजा देते हैं, लेकिन काम जितना करना चाहता वो नहीं कर पाता है। अरुणाचल में कितना अनइम्प्लॉयड यूथ भरा हुआ है, अनइम्प्लॉयड यूथ हर घर में पढ़ा लिखा बच्चा, भाई बहन कोई ना कोई तो है जो बीए पास करके बैठा है, एमए पास करके बैठा है और एलएलबी करके बैठा है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके डॉक्टर पास करके बैठा हुआ है, आज तक नौकरी नहीं मिला। नर्सिंग पास करके बैठा है बेटी लोग, आज तक नौकरी नहीं मिला। बेरोजगार होके घर में डिग्री करने के बाद भी ऐसे बैठा है ना, आप लोग का घर में है कि नहीं, फैमिली में तो है ना, बहुत होगा। उस उन लोगों के लिए ये केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार क्यों चिंता नहीं करता है, क्यों उन लोगों के लिए रास्ता नहीं बता रहा है, उन लोगों के लिए उपाय क्यों नहीं बता रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है। नौकरी तो भरा हुआ है, वैकेंसी अवेलेबल है। अभी हम लोग आरटीआई करके निकाला, कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई करके निकाला, ऑल ओवर इंडिया में 30 लाख नौकरी खाली पड़ा हुआ है, पद खाली है, वैकेंसी खाली है, लेकिन लोग भर्ती नहीं किया, क्यों भर्ती नहीं किया, 10 साल में तो भर्ती करना चाहिए था। और इतना 30 लाख का नौजवान युवक लोग जो बेरोजगार है, उसको तो नौकरी मिलना था, कोई ना कोई तो कंपटीशन करा के तो मिलना था। अभी जो पेपर चोरी, पेपर सेलिंग, वो सब तो चल रहा है, उसके लिए कानून बनाना चाहिए, मैंने खतरा से खतरा कारण बनाना चाहता, उसको मजबूत कारण बनाना चाहता, वो भी नहीं बनाया। इसका अभी कांग्रेस पार्टी ने, हम लोग ने फैसला किया, सेंटर में इंडिया गठबंधन का सरकार आने वाला है, जब आएगा तो ये कानून बनाएगा और ये कानून बनाकर ये सारा रिक्रूटमेंट 1 साल के अंदर में करेगा, ये वादा किया है कांग्रेस पार्टी का। इसलिए ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आदमी घर परिवार का जीवन का इसमें बात आता है, इसी को जीना है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जीना है, अगर कुछ पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर नौकरी नहीं मिलेगा, उसको कुछ काम धंधा नहीं मिलेगा, वो कैसे जिएगा, फैमिली होगा कैसे, उसको फैमिली को संभालेगा कैसे, आगे बढ़ेगा। इसलिए ये सुविधा का काम हम लोग करेंगे, अब सबका काम हम लोग करेंगे। अभी उम्मीदवार हम बन गया, लोग बोल सकते हैं कि तुकी साहब ने इतना कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट, एमएलए का कैंडिडेट कम है, एमएलए का कैंडिडेट कम हो सकता है, लेकिन आम जनता
फैसला करते हैं किसको एमपी बनाना है, किसको एमएलए बनाना है। वो अब पब्लिक चुनते हैं और पब्लिक उसको चुनेगा। फिर भी मेरा अपील होगा कि मैं आप सबका एक बड़ा भाई है, बुजुर्ग के लिए तो छोटा भाई होगा और मेरा एज समान का होने से मेरा दोस्त होगा, ज्यादातर तो यहाँ हमारा छोटा उम्र का ही होगा और कुछ लोग कम संख्या लोग मेरा हमसे ऊपर बड़ा होगा। तो बड़ा भाई है, छोटा भाई बहन है, तो दीदी होगा। तो आप सबसे विनती है, मैं हम लोग अलग नहीं है, मैं आप सब का एक ही भाई बहन है। मैं भी अबोतानी का बेटा है, आप लोग भी अबोतानी का बेटा बेटी है, मैं भी अबोतानी का बेटा हूँ। हम लोग एक परिवार है कि नहीं है? जगह अलग अलग हो सकता है, हम लोग एक परिवार है, उसको भी आप लोग ध्यान में रखें। फैसला करते समय में फैमिली को भी ध्यान में रखें और अपना परिवार को भी मौका देना चाहिए। लोग बोल सकता है कि हाँ नहीं, अबोतानी का परिवार तो बहुत सारा केंद्रित है ना, दूसरा का तो एक या दो केंद्रित है और अबोतानी का केंद्रित ज्यादा है, अबोतानी का केंद्रित ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा संख्या में है, हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, तो इसलिए कैंडिडेट भी बहुत बड़ा होगा। और अभी भी शायद डोमिनेशन बहुत हम लोग का ही ज्यादा पायल किया होगा, उसमें राजनीति भी हो सकता है। उसमें आपको चुनना है कि कौन सा कैंडिडेट आपके लिए काम करेगा, कौन सा कैंडिडेट एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, काम करने में सीखा है, कौन सा कैंडिडेट जो विजन है, जो दिल्ली जाके काम कर सकते हैं, वहां से पान ला सकते हैं, वहां से पैसा ला सकते हैं, वहां से स्कीम सेंशन प्रोजेक्ट ला सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। कोई देखने से सुंदर लगेगा उससे तो नहीं होगा ना, सुंदर से तो हम जिएगा नहीं ना, है कि नहीं? कोई अच्छा बोलता है इंग्लिश में, अंग्रेजी में, भाषा में बहुत अच्छा बोलता है, इसलिए उसको वोट देना वो भी नहीं होगा, उसे तो कुछ मिलेगा नहीं ना। हम लोग का फैसला, हम लोग का जो सोच, जो विचारधारा विचार है, वो काम करने वाला को चुनना है और जिसका पास एक्सपीरियंस है उसको भी देखना है, जो एक्सपीरियंस है वो काम कर सकता है, जिसका पास इंफॉर्मेशन है, जिसका पास नॉलेज है, जिसका पास कनेक्टिविटीज है, कॉन्टेक्ट है, वो काम कर सकता है, वो उसको ध्यान में रखना है। क्योंकि सब बोलेगा कि ये तो हम एक ही फैमिली का है वो, लेकिन पार्टी अलग अलग भी है और उसका सोच विचार अलग अलग होगा। कोई राजनीति भी हो सकता है, कोई कैंडिडेट किसी और का वोट काटने के लिए भी हो सकता है, किसी और को मदद करने के लिए भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, किसी को आगे कर दिया, चलो उस परिवार को टूटने के लिए कोई दो कैंडिडेट होना चाहिए, तीन होना चाहिए, चार पांच होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है वो, लेकिन उसका जजमेंट आप लोग को करना है, उसका जजमेंट आप लोग को करना है और आप लोग ध्यान देना है कि ये अभी लोग जो कैंडिडेट है वो किस लिए इतना खड़ा हो रहा है, वो कहाँ से खड़ा कर रहा है, किसका कहने से खड़ा हो रहा है, वो भी देखना है। उन लोगों का खिलाफ नहीं बोलूंगा, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन उसका असली रूप कहाँ है, रूप को ढूंढना है, रूप कहाँ से आ रहा है। इसलिए ये कायम रंगों तो पड़ जाएगा ना, रंगों भी आप जाने के लिए सोच रहा हूँ, टाइम शॉर्ट है इसलिए अच्छा प्रोग्राम तो नहीं कर पा रहा है, अनुकूल टाइम देने से अच्छा था, फिर भी आपको खराब मत मानिएगा, क्योंकि ये इलेक्शन समय में एक एक दो दो मिनट बहुत कीमती होता है, हम सबको मिलना है, सब मिलना चाहते हैं, सबसे बात करना चाहते हैं, लेकिन सबको बात नहीं कर पाता है। फिर भी आप लोग अपना समझ के एक बार आपका लीडर, आपका दोस्त, आपका भाई, हमारा नाबम तुकी को एक बार चांस देके देखो, आइए नहीं चांस देके देखो, दिल्ली भी भेजिए, एमपी बनाइए और आप मिलने के लिए दिल्ली भी आ सकते हैं, ईटानगर भी आ सकते हैं और हमको यहाँ भी बुला सकते हैं, अब बुलाएगा तो हम यहाँ भी आ जाएंगे। दूसरा लीडर जैसे भागने वाला नहीं है, मैं तो आम जनता के साथ जीने वाला हूँ, लोगों का दुख दर्द को समझने वाला हूँ, विशेष करके महिलाओं को
महिलाओं को मैं प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ज्यादातर महिला को बीमार होते हैं, इसलिए मेरा चीफ मिनिस्टर का टेन्योर में मैंने एक स्कीम लागू किया था, शुरू किया था, चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जो मुफ्त में ट्रीटमेंट कर दिया था ना, चीफ मिनिस्टर हेल्थ कर दिया था ना, उसी से मुफ्त में कोई भी हॉस्पिटल में जाता था, चाहे दिल्ली जाओ या अपोलो जाओ या एम्स में जाओ या गुवाहाटी में जाओ, कहीं भी मेरा वो दर्द ले जाने से आपको फ्री में ट्रीटमेंट होता था, क्योंकि ज्यादा बीमार महिलाओं को होता है, औरत को होता है, इसलिए ये जो मेडिकल जो कार्ड है ये महिलाओं के लिए बहुत काम आता है। उसको अभी ये कार्ड अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, पहले हम 2 लाख से शुरू किया था, उसके बाद 3 लाख हो गया, उसके बाद अभी 5 लाख से चल रहा है ना, तो हम मेरा सरकार हम लोग का सरकार वापस आने से उसको हम 10 लाख करेंगे, 10 लाख करेंगे। और सेंटर में कांग्रेस पार्टी, सेंटर में कांग्रेस पार्टी जो क्रिटिकल मेडिकल क्रिटिकल बीमार वाला कैंसर बीमार, हार्ट बीमार, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, ये सबका ट्रीटमेंट के लिए 25 लाख कर दिया है, 25 लाख का उनका गारंटी में डाला है मैंने पैसों में। ये कांग्रेस पार्टी का प्रॉमिस है, सरकार दिल्ली में आता है तो 25 लाख तक का मुफ्त में इलाज होगा, बीमार का फ्री ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि आदमी स्वस्थ रहना जरूरी है, उसके बाद एजुकेशन को ध्यान देना जरूरी है, इकोनॉमी जो एक्टिविटीज है उसको ध्यान देना जरूरी है। आपका सेंट्रल सेंट्रल हमारा AICC का जो प्रॉमिस में मैनिफेस्टो में अभी जो मनरेगा जो स्कीम, मनरेगा जो कांग्रेस पार्टी ने लागू किया जो स्कीम है वो अभी 2 गुना होगा। पहले आप लोग अभी 200 रुपया पर डे मिल रहा है, उसको अभी हम लोग का जो मैनिफेस्टो में उसको आपको 400 रुपया करेंगे, दिन में आपका हजरा होगा 400 रुपया मनरेगा का हो, बेनिफिट होगा। तो ये है और मेरा ये अलिंग आई, ये मेरा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, और ये वो गिरजा में भी बहुत अच्छा काम करता है, पेंटिंग बिलीवर है ये, और हम लोग वह इतना में मिलते रहता है, और इस बार उसको कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया और कांग्रेस पार्टी ने उसको उम्मीदवार बनाया है, सोनिया गांधी ने, उसको लेकर आज प्यार कर दीजिएगा, क्योंकि जितना हारना तो पब्लिक का मर्जी है ना, आप लोग का मर्जी है, और ईश्वर का इच्छा उसके साथ अगर ईश्वर का कृपा होगा जीत भी सकते हैं, क्योंकि अरुणाचल में रुपया पैसा वाला कोई सिर्फ उम्मीदवार बनाता है, लेकिन आप लोग पब्लिक लोग भी कभी कभी अच्छा इंसान को भी बना के देखना चाहिए, लगी नहीं, कभी कभी उल्टा करके भी देखना है ना, जिसका पास पैसा नहीं है उसको बना के देखना है तो काम करा लेना है, सावधान विश्राम कराना है, पैसा वाला को तो आप सावधान विश्राम नहीं करा सकता, अब मेरा इधर जाओ काम करो ये तो नहीं बोल सकता है पैसा वाला को, धनी वाला को, कभी कभी हम लोग गरीब को भी लीडर बना करके अपना काम में दोहराना है, तुम इधर जाओ, तुम इटानगर जाओ, ये स्कीम लेके आओ, बीमार है बीमार को हॉस्पिटल लेके जाओ, ऐसा आदमी को भी लीडर बनाना चाहिए, है कि नहीं, बड़ा बड़ा को लीडर बनना किसी भी प्रॉब्लम है, इसलिए उनके लिए भी आप लोग कृपा कर दीजिएगा, प्रार्थना कर दीजिएगा और जिताने के लिए कोशिश कर दीजिएगा। अंत में लास्ट नो लिस्ट अंत में मैं ये आपको पहले बता दिया यही साहब ने, ये CM डिस्ट्रिक्ट 2 मेरा हाथ से सिग्नेचर से मैं डिस्ट्रिक्ट दिया है आप लोगों को, CM डिस्ट्रिक्ट यहाँ कितना रास्ता बनाया, मैं इरिगेशन मिनिस्टर का तो कितना MIP प्रोजेक्ट दिया आपका पूरा CM बेल्ट में, क्योंकि ये तो एग्रीकल्चर बेल्ट है, ये एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर बेल्ट है, उसके लिए एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पॉलिसी भी मेरा गवर्नमेंट में बनाया था, इंडस्ट्री पॉलिसी भी मेरा सरकार में बनाया था, स्पोर्ट्स पॉलिसी भी मेरा सरकार में बनाया, यूथ लोगों के लिए स्पोर्ट्स अभी 10% जो मुझे मैंने बनाया, अभी जितना नौकरी मिल रहा है ना तो यूथ लोग जो आगे बढ़ रहा है वो तो मेरा समय में बनाया, नया नया जो टूरिज्म पॉलिसी वो भी मेरा समय में बनाया, बहुत सारा पॉलिसी बनाया, वो बताने में बहुत टाइम लगेगा,
और हम बाद में लिखित में दे देंगे, आपको पढ़ने में भी मौका मिलेगा। किसी और से भी सुन लीजिए, जो आपका डिस्ट्रिक्ट में, आपका टाउन में जो पढ़ा लिखा है, जो ऑफिसर्स है, जो ऑफिसर रिटायर होकर बैठ गया है, उन लोगों को पूछे कि हम लोगों ने अरुणाचल के लिए क्या काम किया है। जो अभी लोग वर्तमान का लीडर नहीं, वर्तमान का सरकार लोग सब कुछ हो 10 दिन में काम किया ऐसे बताते हैं, लेकिन अरुणाचल को 10 दिन में नहीं बनाया, अरुणाचल को तो कम से कम 50 साल में बनाया। पीके तमोद पर चीफ मिनिस्टर रखा, उसके बाद गेदर अपंग चीफ मिनिस्टर, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर 23 ईयर्स काम किया। उसके बाद मुकुट मिट्टी, उसके बाद दर्जी खांडू, जर्वम गमलिन और मैं, सब हम लोग स्टेज वाइज डेवलपमेंट अरुणाचल को डेवलपमेंट में लेके आया है। अभी का लीडर लोग तो वो तो पुराना दिन को याद नहीं है, उसको वो भूल जाता है, वो पूरा काल परसों बनाया, ऐसे ये रास्ता कोई काल परसों ऐसे बनाया वैसे बोलता है ना, लेकिन ये सब प्रोजेक्ट प्रपोजल स्कीम मेरा समय में बनाया है। प्रोजेक्ट हमने अप्रूव किया, लेकिन नाम वो लोग ले रहा है, ठीक है पत्र में आप नाम लिखते ही जाइए, वो भी खराब नहीं है, लेकिन काम अच्छा होना है, चोरी नहीं होना है, आम जनता के लिए सुविधा देना है। इसलिए अंत में फिर दोबारा विनती करूंगा कि इस बार आप लोग मदद करिए, और मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप अगर मौका देगा हमको, अगर एमपी बना करके वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से भेजेगा दिल्ली में बैठ करके, आपके लिए दिन रात काम करूंगा, सुविधा काम नहीं करूंगा। जैसे नाम अरुणाचल में मेरा नाम है, ऐसे नाम उसको बरकरार के रहूंगा, और दिल्ली में भी शायद अरुणाचल का नाम रोशन करेगा। इतना मैं गति में समाप्त करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।